तो जी, गुड मॉर्निंग है सबको, और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी 2 घंटे पहले। ये खाना वाना खा के आ चुकी हूँ, इसी से बात करते हैं पहले। अब बोलो क्या काम है, क्या काम है, क्या बात है, क्या बात करनी है बताइए। ये चाहिए, ये चाहिए तेरे को, रुक ना, वेट वेट वेट, नहीं इसको ये दे दो, चल देते हैं वेट। और ना धीरे खाना, बिल्कुल धीरे से खाना, गुड बॉय गुड बॉय, बिल्कुल धीरे से खाना, बिल्कुल धीरे से खाना बेटा। बिल्कुल धीरे धीरे से खाना, इसको ये चाहिए होता है, अभी आराम से बैठ जाएगा। ठीक सिम्बा, बस बस इंतजार है कि अमित आएंगे और वो भी इसको कुछ ना कुछ देंगे, थोड़ा बहुत बाइट दे देंगे रस का, इसको वो इंतजार है। इसका बस चले ना, ये बेड पे बैठ जाए चाय पीने, उठा देंगे चाय पियो मेरे साथ, थोड़ा बड़ा हो जा फिर से तुम्हें चाय पिलाऊंगा अपने साथ। क्या हुआ बता, क्या खाना है बता, क्या खाना है, बिस्किट खाना, कितनी को लगा दिया अभी, लो ये देखो रस खा चुका है ये, कितनी शिद्दत से देख रहा है, देख देख, ओहो यही तो चाहिए इसको ड्रामा। बच अच्छा अच्छा नहीं, बस बेटा बस सिम्बा बस चलो बच जाओ बैठो बैठो जाओ, बस गुड बॉय गुड बॉय। सुबह अपना घूम के आ चुका है, खाना वाना खा चुका है ये, हाँ, और अब इसके नाटक चलेंगे। चलो अब बैठ जाओ, हाँ बस कहते ही तो इसको समझ में आ जाती है कि हाँ बस हो गया मेरा। तो भी आज हमने सिम्बा को नहलाया पूरे पूरे 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कह लो, क्योंकि इसकी सर्जरी हुई थी तब नहलाया था इसको। सुसु कर ले, चल सुसु कर ले। तो आज नहलाया इस बालक को, ओहो सिम्बा की तो शक्ल ही बदल गई, मैं दिखाती हूँ उसकी शक्ल, कितना मेहला था वो, और अब गोरा चिट्टा सुंदर लड़का निकल के आ गया। तो भाई मेहनत तो बहुत है नहलाने में, वहाँ इसलिए नहीं लेके गए, थोड़ा ना रफली यूज़ करते हैं वो, मतलब ट्रीट करते हैं, तो मैं कहा नहीं एक बार खुद नहला देते हैं, दिखाती हूँ अभी। अभी ये लगा हुआ है सुसु पॉटी करने में नहाने के बाद, क्योंकि ये इतने मतलब खेलते हैं ना नहाने के बाद, तो इनको चाहिए कि भागा दौड़ी ये वो, और इस चक्कर में क्योंकि इसे नहलाना था तो मैं भी नहीं नहाई, मैं कहा भाई इसको नहला के फिर मैं नहाऊंगी तभी फ्रेश होंगी, क्योंकि बाल तो पता ही है इसके, इसके बाल तो ज़बरदस्त झड़ते हैं, दिखाती है। क्यों भावना, अरे मेरी बकरी मुँह तो दिखा दे, सुंदर सुंदर, अरे सुंदर सुंदर मुँह तो दिखा दे, ओले ये ले लो ट्रीट ट्रीट ट्रीट, दिखा प्यारी सी प्यारी सी। फिर कुछ सूख चुका है तो अब नीचे ले जाऊंगी और इसको ड्रायर से सुखाऊंगी, क्योंकि गीला रह गया तो फिर मौसम ऐसा ही है, ठंड ना लग जाए इसको, कहीं नहाने के चक्कर में से ठंड लग जाए। चलो जी मिलते हैं हम आपसे अब थोड़ी देर के बाद। आज का प्रोजेक्ट बड़ा लंबा था, अब इसके नहाने की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट होता है, एक तो इसके पैर में प्रॉब्लम है तो ये ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता है, तो आर्यन ने इसे अच्छे से पकड़ा और मैंने इसे नहलाया। ओके बाय आई एम गोइंग। चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाई मैं और सिम्बा नहाने के बाद हम दोनों सो गए, और सो गए हैं तो हम अब उठे हैं, और अब हो रखा है टाइम
तो सिम्बा तो अभी भी फ्रेश होकर आया छत में और आके फिर से दुबक गया, क्योंकि वो सच में ही बड़े दिनों बाद ना आया था। पर ये उसके बहुत सारे जो हेयर्स थे ना वो निकल गए, जिनसे हम बहुत परेशान हो रहे थे, और वो फ्रेश हो गया एकदम गोरा चिट्टा। तो फिर मैं भी नहाई थी और बहुत थक गई थी मैं। उसके बाद तो मैं खाना खाया और सो गई। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली कड़क चाय, वो पीते हैं और आपसे बात करते हैं चाय के साथ अपना रस खाने। देख रहे हो बुद्धि इसकी, जैसे फर्क तो पड़ गया सिम्बा तेरे अंदर, बड़ी कोई सड़ियल हो रखा था वैसे तो, है ना। तेरा बिफोर और आफ्टर करना चाहिए था। अच्छा क्या कंबल साथ में चल रहा है तेरा? उतार दूँ, उतार दूँ तेरा ब्लैंकेट? तेरा ब्लैंकेट उतार दूँ, तेरा ब्लैंकेट उतार दूँ। तो अब टाइम है सिम्बा की एक्सरसाइज का, क्योंकि काफ़ी मोमेंट है इसके इस वाले सर्जरी वाली लेग में। लेकिन थोड़ी सी एक्सरसाइज बोली है डॉक्टर ने कराने को, जिसको फिजियोथेरेपी भी बोल सकते हैं। और ये हम इसको मतलब 5-5 मिनट्स दिन में 2-3 बार कराते रहते हैं, 3 बार तो करा ही देते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रेशर डालेगा और ठीक हो जाएगा। बता दे, एक्सरसाइज नहीं करनी तूने? तूने एक्सरसाइज नहीं करनी? ये बोन किस लिए पकड़ा रखी? इसीलिए ना। अब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते हैं तो इसको प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो फिर ये आ जाता है काटी काटी करने। तो लेकिन बस इतना ही करना है कि ये सहन कर सके। ये देखो अपना आगे वाला हाथ जो है पैर पर रख लेते हैं। कोई नहीं, धीरे 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 एक एक दिन करके सब ठीक हो जाएगा। तो भाई सिम्बा की एक्सरसाइज भी हो गई है, आलू गोभी की सब्जी भी बन गई है, और अब वेट है कि कब कौन खाना खाएगा। जब खाना खाएगा तभी फुलके बनाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी है ना कि पहले बना के रखूँगी ना तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। अभी तो कोई खा नहीं रहा, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, फ़ोन देख लूँ और आप लोगों को बाय बोल दूँ। तो भाई जो मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं ना, तो इसको प्लीज़ वो कर देना, क्या सब्सक्राइब वो ज़रूर कर देना। क्या होता है सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद एक आधा बंदा भाग जाता है। वेट वेट, एक कॉल आ रहा है, मैं करती हूँ बात। ओके जी, गुड नाइट, नमस्ते, कल मिलते हैं हम आपसे। आज का व्लॉग हम यहीं दिल्ली में ख़त्म करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिम्बा के वीडियो इंजॉय। आप देखो फिर आगे का रास्ता सोचते हैं कैसे क्या बनता है।